वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। सुबह हो गया है, सुबह क्या बोलूं, 8 बजने वाला है और ये चले गए हैं। और आज मैं लेट से उठी हूं तो ज़्यादा कुछ नहीं की, झाड़ू लगाई हूं सिर्फ, और इनको नाश्ता खाना बना करके दे चुकी हूं। सुबह का नाश्ता कर लिए और नाश्ता दोपहर का ब्रेकफास्ट भी लेकर के चले गए। और मेरी सासू मामी नाश्ता कर चुकी हैं। बच्चों के लिए 2-3 रोटी और बनाना है क्योंकि हड़बड़ी में बना दी, सुबह तो भागा दौड़ी वाला काम हो जाता, तो थोड़ा बाकी अभी कुछ फिर भी अभी क्लीनिंग बाकी है, पूरी क्लीनिंग बाकी है, पूरा काम अभी पड़ा हुआ है मेरा। तो आप लोग को वेलकम करने आ गई, तो मेरे ब्लॉग पे एंजॉय कीजिएगा। चलिए चलती हूँ मैं अपना काम करने और मेरे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। जैसे कि ये आगे रूम का रूम है जहाँ पे मैं सोती हूँ, तो इसको सबसे पहले क्लीन करूँगी क्योंकि आगे का रूम है, कोई आ जाता है तो बुरा लगता है। इसको सबसे पहले इसकी क्लीनिंग करूँगी और सब कुशन सब सजाई, उसके बाद बेडशीट झाड़ूंगी। और आज तो चेंज नहीं की बेडशीट, पर कल ज़रूर चेंज करूँगी क्योंकि खाना वाना सब लोग बेड पे खाते हैं तो दाग हो ही जाता है, चाहे जितना भी कपड़ा डाल करके खाओ, तेल या फिर कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो सबसे इसको कल चेंज करूँगी, आज नहीं करूँगी। और ये चादर मैं ओढ़ती हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई अच्छी तरह से, फिर लगी पोछा मारने, क्योंकि इसी रूम को अभी पोछूंगी, आगे बाद में पोछूंगी। तो ये गेट से लेकर के ये आगे का रूम है वो ज़्यादा क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। और आज ये गाड़ी निकाल करके गए हैं तो ये भी टेंशन नहीं है, क्योंकि गाड़ी नहीं निकलता है तो अच्छी तरह से पोछा वजह भी नहीं लगा पाती, सफाई नहीं कर पाती हूँ। तो आज गाड़ी भी निकल गया है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, जल्दी हो गया। नहाने पूजा करने के बाद मैं कपड़ा डालने गई, नाश्ता नहीं अभी करूँगी जब तक कपड़ा नहीं डालती, क्योंकि इनका जींस था और जींस तो जल्दी सूखता है नहीं, और मौसम बीच बीच में ख़राब भी हो रहा था, बादल जैसा हो रहा था, और हो रहा था अगर धूप तो बहुत अच्छा हो रहा था। तो उसके लिए सबसे पहले कपड़ा डालूँगी जींस सूख जाए उनका टाइम तक। और जो गमछी वगैरह था वो भी आज धोई हाथों से ही, इतना कपड़ा मैं धोई हूँ आज। यह है मेरा नाश्ता, सहजन का सब्जी और रोटी नाश्ता में। तो चलिए मेरे साथ भी आप लोग नाश्ता कर लीजिए, सहजन का सब्जी और रोटी। यहाँ पे बैठाई हूँ चाय, बज रहा है 11 बजे, मैं चाय बैठाई हूँ। यहाँ दूध गर्म करूंगी दही डालने के लिए, यहाँ पे रोटी तोड़ करके रखी हूँ रैबिट को चाय और रोटी देने के लिए। चाय नहीं बनाती पर इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि रैबिट के लिए आज नाश्ता नहीं मिला, नहीं तो ये खाते हैं अगर चाय रोटी तो मैं दे देती हूँ। आज वो चाय रोटी नहीं दही रोटी खाए तो इसके वजह से मैं नहीं दे पाई, बेचारों भूखे हैं, जब देख रहे हैं मुझे दौड़ जा रहे हैं। तो उनके लिए खास तौर से, मैं अपने लिए खुद के लिए नहीं बनाती हूँ कभी भी, अकेले बाई चांस कभी हुआ तो बनाती हूँ वरना नहीं। बेटी लोग अगर चाय रोटी खाती तो उसी में बोल देती हूँ थोड़ा सा दे देना, स्पेशल भाई रैबिट के लिए चाय बन रहा है और उसमें मैं लूंगी। बहुत जगह है जो अपने लिए किया जाता है दूसरे के लिए बाद में, मेरा यहाँ है अपने लिए नहीं, उसके लिए बना रही हूँ तो उसमें से काट करके खुद के लिए निकालूंगी। तो ये देखिए, ये इसका दही डालूंगी दूध का।
सारा गेट खोल के कैसे बैठी है, इनका यही है, ऐसे में कोई घुस जाएगा आराम से। लाइट जला लूं। क्या देख रही हैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सामने वाला घर का ढलाई हो रहा है तो उसको देख रही है बैठ करके। देखिए क्या वो चिल्ला रही हैं? दाल है, रोटी है, तो क्या करते? कल ये को कह दे वो है, एक लम दिया तनी दे दे, दे ले हमें तो दिया चीन के ले गए, हम का बाबू। बजे हम गए थे रोड पे वैसे ही वॉकिंग करने, तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट खुला हुआ है। तो ये देखिए मैं हूँ रेडी और बन रहा था यहाँ पर रील इंस्टा के लिए और यूट्यूब के लिए। मेरा एक और चैनल है जहाँ रूबी राजपुतानी से है, तो वहाँ पे अगर मेरा रील देखने का मन हो आप लोगों को तो वहाँ ज़रूर देखिएगा। और यहाँ देखिए बनाना वीडियो तो बहुत आसान है, पर ये देखिए कैसे छीटा हुआ है। अभी कपड़ा खोल करके फोल्ड करके रखना है, इसका मतलब आधा घंटा इसमें गया। तो हम यूट्यूबर भाई बहुत मेहनत करते हैं, इसके पीछे बहुत हमारा मेहनत होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना छोड़े आप लोग और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग मेरे दोनों वीडियो को, दोनों चैनल को। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।